सम्माननीय उपकुलपति पिल्लई साहब, प्रो वाइस चांसलरगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि आज प्रोफेसर जी राम रेड्डी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर मुझे ये अवसर मिला है कि मैं आपके सामने उनकी स्मृति में व्याख्यान दे सकूं। मैं श्रीमती रेड्डी जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो भी आज यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं। मुझे व्यक्तिगत तौर पर प्रोफेसर रेड्डी जी से मिलने का कभी अवसर नहीं मिला, लेकिन जो कुछ मैं आज जान सका उनके बारे में वो मेरे लिए बहुत ही प्रेरणा की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में इस देश की लाखों उन लोगों को शिक्षा से जोड़ने की कल्पना थी, जिनके बारे में उनका एक विजन था, और वो विजन आज हमें मूर्त रूप लेते हुए दिखता है कि लाखों करोड़ों बच्चे जो शिक्षा से वंचित थे वो इस इग्नू के माध्यम से शिक्षा से जुड़ पा रहे हैं। और किसी के जीवन में यदि हम शिक्षा को देने का अवसर दे सकते हैं तो उसके जो परिणाम आते हैं उससे हम सब विज्ञ हैं। यदि बच्चा एजुकेट हो जाए, समाज में एजुकेशन को हम स्प्रेड कर दें, तो उसके बाद जो क्वालिटेटिव चेंज होता है वो आज हमारे देश में हम देख रहे हैं। इसलिए मैं आज के दिन उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण करता हूँ और आशा करता हूँ कि प्रोफेसर पिल्लई और उनके साथी जो विजन रेड्डी जी ने देखा उसे आगे बढ़ाने में और मददगार होंगे, जिससे हम सदा सदा उन्हें याद कर सकें कि उनके विजन को प्राप्त करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ये भी सौभाग्य है कि जब मैंने विषय चुना था मुझे नहीं मालूम था कि प्रोफेसर रेड्डी ने कोई किताब पंचायत राज के बारे में लिखी। मुझे जानकारी मिली कि उन्होंने किताब पैटर्न ऑफ पंचायत राज इन इंडिया लिखी, और उसमें उन्होंने जो कोट किया है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैं आपको उसके बारे में बताऊं। उनका यह कोटेशन, डिस्टेंस एजुकेशन इज लाइक द पंचायत राज इन गवर्नेंस, इट एनेबल्स डिसेंट्रलाइजेशन, एनहेंस लोकलाइजेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ द कॉमन मैन। ये उनके उस किताब का कथ्य है जिसको मैं आधार बनाकर अपनी बात कहना चाहता हूँ। आप और हम सब जानते हैं कि हमने आज़ादी के बाद संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत पंचायत के चुनाव 73 अमेंडमेंट के पहले नहीं होते थे। पंचायत के चुनाव सरकार की मन मर्जी पे थे। सरकार चाहती तो पंचायत के चुनाव कराती, सरकार चाहती तो पंचायत के चुनाव नहीं कराती। पर 73 अमेंडमेंट जिसकी कल्पना राजीव गांधी जी ने की, उसके बाद सभी सरकारों को ये बाध्यता हो गई कि वो 5 साल में पंचायत के चुनाव कराएंगे। पंचायत के चुनाव ही नहीं कराएंगे, उसमें आरक्षण की व्यवस्था भी की गई कि पंचायत में SC ST वुमन का रिजर्वेशन होगा। तो गांव में एम्पावरमेंट करने के लिए जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, उस प्रोसेस की सबसे पहले कल्पना हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल में की गई, लेकिन संविधान में 73 अमेंडमेंट के बाद ये कदम आगे बढ़ सका। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या कहा गया वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच स्टेट्स दैट द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड एंडोव देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटीज एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। महात्मा गांधी जी ने कहा, ए ट्रू डेमोक्रेसी कैनॉट फंक्शन थ्रू द 20 पीपल सिटिंग इन द सेंटर, इट शुड बी रन फ्रॉम बेस लेवल एंड बाई द पीपल ऑफ द विलेज। और इसी संबंध में जब पंचायत 73 अमेंडमेंट किया गया तब राजीव गांधी जी ने यह बात कही थी, द रिवोल्यूशन दैट श्री राजीव गांधी स्पोक ऑफ वास ए रिवोल्यूशन बेस्ड ऑन मैक्सिमम डेमोक्रेसी एंड मैक्सिमम डिवोल्यूशन, इट इज़ ए रिवोल्यूशन टू पुट पावर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। ये मैं इसलिए कोट करना चाहता हूँ कि संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में पिछले 50-60 साल में देश ने जो प्रगति की है वो आज दुनिया में डेवलप कंट्री के जो मापदंड है उसके प्राप्त के मुकाबले हमने प्राप्त की है। चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के माध्यम से हो, चाहे वो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के माध्यम से हो, चाहे हमने साइंटिफिक हमारी पॉलिसी बनाकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया हो, इस संसदीय लोकतंत्र की तंत्र की सारी बाध्यताएं होने के बाद हमने चांद पर आदमी भेजा, सैटेलाइट का काम किया, परमाणु बम बनाने का हमने काम किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का काम हमने किया, और दुनिया में जब इकोनॉमिक मेल्टडाउन है तब हमारी जो नीतियां बनाई उन नीतियों के कारण आज हम GDP 8-9% प्राप्त कर पा रहे हैं।
ये इस बात का प्रतीक है कि संसदीय लोकतंत्र में दुनिया के जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने जितनी प्रगति की उतनी प्रगति भारत ने भी की। लेकिन इस देश में जो दूसरा सीन है वो भी हमें देखने की आवश्यकता है कि आज देश में लेफ्ट विंग इफेक्टेड कितने डिस्ट्रिक्ट है। आज हमें ये भी देखने की आवश्यकता है कि जहां हमने दुनिया के दूसरे मुकाबले में हमने नीति बनाकर देश को प्रगति के पथ पर बढ़ाया वहां पर आज वनरेबल सेक्शन जो गांव में रहता है जो हेमलेट में रहता है वहां क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उपलब्ध है, वहां पर क्या बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल की जितनी डिस्टेंसेज है वहाँ स्कूल है, यदि स्कूल है तो क्या क्वालिटी ऑफ स्कूल है, यदि पानी है तो क्या क्वालिटी ऑफ पानी उनको मिल रहा है, सड़क है तो जगह पक्की सड़क है, बिजली है तो उन्हें क्या 24 घंटे बिजली मिल रही है, क्वालिटी ऑफ बिजली मिल रही है। वहाँ पर जो आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए 60 साल में वो आज भी हम नहीं प्राप्त कर पाए हैं। इसलिए आज ज़्यादा आवश्यकता है कि हम एक अल्टरनेट मोड ऑफ गवर्नेंस के बारे में सोचें। अल्टरनेट मोड ऑफ गवर्नेंस के बारे में हमने नहीं सोचा तो आने वाले समय में ये सामाजिक विषमताएँ जितनी तेज गति से बढ़ेगी वो लोकतंत्र के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। इसलिए आज ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है, समय आ गया है हम इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ एक नई चीज़ जोड़े हैं, वो चीज़ है पार्टिसिपेटरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। मैंने इसे पार्टिसिपेटरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मीन्स अभी तक डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट में संसद के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा का सदस्य चुनने के लिए पाँच साल में एक बार वोट पड़ता है। एक व्यक्ति 5 साल में अपना वोट देकर अपने आप को इस बात के लिए उत्तरदायी से अलग हो जाता है कि चुने हुए प्रतिनिधि मेरे भविष्य के मेरे देश के भविष्य के लिए कुछ काम करेंगे और 5 साल तक वो उसके जो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके उसके संबंध में उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी के बारे में वो चर्चा नहीं कर पाता। लेकिन आज नए सदी में हमने हमारी सरकारें जो सरकार आई है यूपी की सरकार ने उन्होंने एक क्वालिटेटिव चेंज किया गवर्नेंस में। नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू एरा ऑफ राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स। कभी किसी ने सोचा नहीं थी कि RTI राइट टू इंफॉर्मेशन हम कानून अधिकार बना के देंगे। वी नेवर थॉट इट कि वी विल गिव गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट राइट टू एम्प्लॉयमेंट। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में हमने कानून बनाकर लोगों को ये अधिकार दिया है कि वो एक साल में 100 दिन का काम उन्हें गांव में मिलेगा। ये राइट टू एम्प्लॉयमेंट का काम हमने किया, राइट टू एजुकेशन का काम हमने किया, जिससे आज करप्शन के केसेस लोग जानकारी मिल रहे हैं, जानकारी लेकर लोगों को खड़ा कर रहे हैं कि आप में क्या गड़बड़ की, क्या कानून नहीं किया। यदि RTI नहीं होता तो बहुत सी चीज़ें जो एक जानकारी मिलती है उसका लाभ नहीं मिलता। RTI के बाद राइट टू एम्प्लॉयमेंट के बाद हम राइट टू एजुकेशन, ये मूव टू द राइट टू एजुकेशन के बच्चे को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। पोटेंशियल है, क्षमता है, लेकिन उसे पढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता है। यदि अवसर ही नहीं मिलता है तो अपने क्षमता को प्रदर्शित नहीं कर सकता है और वो जितना उसमें क्षमता है उसमें देश के निर्माण में भागीदारी नहीं निभा सकता है। इसलिए वी हैव एंटर्ड इनटू एन राइट टू एजुकेशन। नाउ वी आर थिंकिंग महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ने का असर जो काम करने वाला आदमी है उसकी जितनी अर्निंग है उसे परचेज करने में, फूड के आइटम में परचेज करने में उसकी बहुत बड़ी राशि चली जाती है। इसलिए नाउ वी आर एंटरिंग इनटू एरा ऑफ राइट्स ऑफ राइट टू फूड। हम अभी अधिकार देना चाहते हैं कि एक गरीब आदमी को कितना खाने का कितनी कीमत पर मिलना चाहिए, चाहे उसका इन्फ्लेशन की कोई भी कॉस्ट हो लेकिन उसको इतना कम से कम भोजन मिलना चाहिए। सो नाउ वी आर एंटरिंग इनटू एरा ऑफ राइट टू फूड एंड देन ग्रेजुअली वी आर शिफ्टिंग इनटू द राइट टू हेल्थ एंड देन नाउ यू गो ऑन थिंकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स। कैन एवरी गवर्नमेंट विल हैव टू एड्रेस द इशू दैट यू कैनॉट फ्रेम द पॉलिसीज विदाउट गिविंग द राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स। जब हम राइट्स और एंटाइटमेंट देने की बात करते हैं और 5 साल में चुनाव प्रतिनिधि एक बार वोट देने के बाद जनता के बीच में जाकर अकाउंटेबल नहीं हो तो ये राइट्स और एंटाइटलमेंट जो हम कानूनन व्यवस्था कर रहे हैं उसका लाभ गरीब आदमी को नहीं मिल सकता। इसलिए आज ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि राइट्स और एंटाइटलमेंट करने के बाद जो कल्पना राम रेड्डी जी ने की थी डिसेंट्रलाइजेशन की, जो इग्नू आज मॉडल है जिस इग्नू से हम दुनिया के बहुत से लोगों को हम शिक्षा से जोड़ने का काम कर रहे हैं, गवर्नेंस में भी ये आधारभूत परिवर्तन करने का समय आ गया है। इसलिए नए सिरे से इस देश में इस नई सदी में यदि हम अपनी लोगों की समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं तो हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण 73 अमेंडमेंट में एनविशेष तो किया गया लेकिन 73 अमेंडमेंट में सरकारों पर छोड़ दिया गया कि सरकारें जो है अलग अलग प्रदेश की सरकारें वो अपने हिसाब से उनको डिवोल्व करेगी पावर को। 11 शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किए, उन 29 सब्जेक्ट्स को पंचायत को ट्रांसफर करना है लेकिन पंचायत को ट्रांसफर करने का काम सरकारों पर छोड़ दिया। अब हिंदुस्तान में मॉडल है एक केरल का, जहां केरल में पंचायत को बहुत पहले से ही डिवोल्यूशन का पावर दिया गया है
लेकिन वहाँ पर पंचायत बड़ी है। आज डिलिमिटेशन के आधार पर हमें मालूम है कि विधानसभा क्षेत्र में डिविडिबिलेशन में पॉपुलेशन कितनी होगी, पार्लियामेंट की पॉपुलेशन कितनी होगी, लेकिन पंचायत में कोई डिलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। विद द रिजल्ट कि यूपी के अंदर 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर पंचायत है, बट इफ यू गो टू केरला देयर आर पंचायत हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 20,000 एंड मोर देन दैट। सो इस देश में एक तरफ पंचायत का मॉडल जो बहुत मजबूत मॉडल है वो केरल का मॉडल है, लेकिन वहाँ पॉपुलेशन एक पंचायत की 20,000 से ज़्यादा है। दूसरा मॉडल है महाराष्ट्र का मॉडल है, गुजरात का मॉडल है, जहाँ पंचायत पावरफुल नहीं है, जहाँ पर जिला परिषद पावरफुल है। वहाँ पर जिला परिषद के जो फंक्शनरीज है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत वो सारे जो फंक्शनरीज है जो रूरल डेवलपमेंट को एड्रेस करते हैं वो वहाँ पर पंचायत के जिला परिषद के स्तर पर वहाँ मौजूद हैं। वहाँ के लोगों को तनख्वाह देने का काम पंचायत के माध्यम से होता है। एक मॉडल पंचायत का महाराष्ट्र, गुजरात का और कर्नाटक का है। और तीसरा मॉडल जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ पर पंचायत की पॉपुलेशन है 1000। यूपी में तो बहुत अजीब तरह का सीनरियो है, 50,000 पंचायत है 1000 की, और 50,000 पंचायत में जो सेंक्शन पोस्ट है वो लगभग 8,000 हैं। अब यू जस्ट इमेजिन इट दैट देयर आर 50,000 पंचायत एंड देयर आर 8,000 ग्राम सेवक विल टेक केयर ऑफ द 50,000 पंचायत, तब आप कल्पना कर सकते हैं कि पंचायत का वहाँ पर एम्पावरमेंट का काम कैसे हो सकता है। अभी हमने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में लगभग एक साल का आउटले है 40,000 करोड़ रुपए आज की डेट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में एंटाइटलमेंट लोगों को काम करने के लिए दिया गया। यदि इस देश में ये अधिकार दिया गया है कि गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति पंचायत में एप्लीकेशन दे उसको 100 दिन का काम मिलेगा और 100 दिन के काम के अंतर्गत उसको इतना पैसा मिलेगा, उसमें 40,000 करोड़ रुपये का आउटले ही हमारा एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है। व्हाट दिस इंडिकेट्स, ये बड़ा अजीब तरह का सीनरियो बन रहा है कि हम जहाँ लोगों को एंटाइटलमेंट दे रहे हैं लेकिन इस देश में उसमें जो कानून में यह है कि मैनुअल वर्क करना पड़ेगा, तो मैनुअल वर्क जो राइडर है उससे इस देश में लगभग 65 लाख परिवार ही ऐसे हैं जो 100 डेज का काम लेते हैं, बाकी 100 डेज का काम नहीं ले पाते। इस देश में मैनुअल लेबर करने वाला आदमी जो सड़क बनाने का काम कर रहा है, बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा है, जो फैक्ट्री बनाने का काम कर रहा है, जो देश के अलग अलग चीज़ों का निर्माण करने का काम कर रहा है, क्या वो जिंदगी भर तक केवल मात्र मैनुअल काम ही करेगा? क्या उसके परिवार के बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? उसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसके जीवन में परिवर्तन करने के लिए उसमें स्किल डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए? ये मुद्दे हैं जो इस बात को प्रेरित करते हैं कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, पंचायत में जो एक छोटी यूनिट है उस पंचायत में जो हमारी ट्रेडिशनल विजडम है, आज गाँव में या किसी भी गाँव में जाकर देख लें, एक जमाना था एक गाँव के अंदर काम करने वाले किसी भी गाँव के अंदर आपको एक कारपेंटर मिल जाता था, एक गड़ी को काम करने वाला काम मिल जाता था, एक मोची के काम करने वाला आदमी मिल जाता था, एक सिलाई का काम करने वाला काम मिल जाता था, एक सोनेरी का काम करने वाला आदमी मिल जाता था, जो आर्टिजन थे वो उस गांव की इकोनॉमी को सस्टेन कर रहे थे। नाउ यू गो एंड सी एंड विजिट, यू वॉन्ट फाइंड द आर्टिजन, वेयर डिड द आर्टिजन हैव गॉन। जब इस देश में उन लोगों के पास ट्रेडिशनल विजडम है, उन विजडम का उपयोग लेकर हम यदि उनकी स्किल को एनहांस करें, स्किल को डेवलप करें, तो एक ग्राम में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करना है उसके लिए उसे कोई MBA की डिग्री, कोई BE की डिग्री, कोई पॉलिटेक्निक की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। मुझे आवश्यकता है उसकी जो ट्रेडिशनल विजडम उसके पास उपलब्ध है उस विजडम में उसकी स्किल को एनहांस करें जिससे वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर सके और 2 पैसा ज़्यादा कमा सके। ये काम कौन करेगा? ये काम तभी हो सकता है जब हम इस संसदीय प्रणाली के साथ में पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक सेटअप के बारे में सोचें कि पंचायत का यदि गांव का यदि वहां पर व्यवस्था है तो उस गांव में ट्रेडिशनल विजडम को एनहांस करने के लिए वहां पर मेन पावर उपलब्ध होनी चाहिए, जो लोगों की उसकी ट्रेडिशनल उसकी स्किल को अपग्रेड कर सके, जो मॉडर्न चीज़ें आ रही है उसके साथ उसको जोड़ सके, और वो स्कूलिंग के अलावा लर्निंग, बिकॉज ऑल द टाइम वी आर गिविंग स्ट्रेस ऑन स्कूलिंग एंड स्कूलिंग। 10 साल तक पढ़ोगे तो 10वीं पास, 12 साल तक पढ़ोगे तो 12वीं पास, 3 साल और करोगे तो ग्रेजुएट, उसके बाद 2 साल और करोगे तो पोस्ट ग्रेजुएट। बट वी इवान अली सेड दैट वी डोंट वांट स्कूलिंग, वी वांट लर्निंग। इस देश में ट्रेडिशनल लर्निंग के कारण इस देश की इकोनॉमी सस्टेन थी। ये जो इकोनॉमी सस्टेन करना है, लर्निंग का काम करना है, उसके लिए पंचायत पर हमें एक नई तरह की व्यवस्था खड़ी करने की आवश्यकता है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में दिल्ली की जो सरकार है, भारत की सरकार है, उसकी योजना बनाने के लिए प्लानिंग कमीशन है, उसकी योजना को एग्जीक्यूट करने के लिए सेक्रेटरी है, लंबी चौड़ी एक ब्यूरोक्रेसी की फौज है जो योजना बनाती है, एग्जीक्यूट करती है,
स्टेट में जाएं आपको चीफ सेक्रेटरी मिलेंगे, अलग अलग विभाग के सेक्रेटरी मिलेंगे, पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी, एजुकेशन का सेक्रेटरी, एनर्जी का सेक्रेटरी, इरिगेशन का सेक्रेटरी, और जब हम गांव में जाते हैं तब गांव में मिलता है एक पुअर ग्राम सेवक। अब हम आशा करते हैं कि वो पुअर ग्राम सेवक उस पंचायत में वो सारा काम कर सकेगा जो स्टेट का एक चीफ सेक्रेटरी कर रहा है, वो सब काम कर सकेगा जो चीफ सेक्रेटरी के अंडर में जितने अलग अलग विभाग के सेक्रेटरी काम कर रहे हैं वो सेक्रेटरी काम करेगा, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए नीचे एक बड़ी मैन पावर है। ये इस बात को प्रेरित करती है सोचने के लिए कि हमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नेंस का मॉडल नीचे लेवल पर डेवलप करना पड़ेगा, जो ये जो हमारा ट्रेडिशनल स्टेट का और सेंटर का जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में संबंध है उससे हटकर इस बात को सोचे। क्या गांव में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करने का कोई तरीका नहीं था? गांव में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करने का तरीका था। क्या कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करने के लिए FIR दर्ज करनी पड़ेगी? FIR दर्ज करने के बाद कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाएगा फिर म्यूनसिपल कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, डबल बेंच में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, डबल बेंच में जाएगा, तब समस्याओं का निदान होगा। क्या इस देश में करप्शन मिटाने के लिए लोकपाल बन जाएगा इसलिए इस देश में करप्शन खत्म हो जाएगा? संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हमने एनविसेज किया है कि इस संविधान के अंतर्गत संसदीय प्रणाली में अकाउंटेंट जनरल होगा, उसकी कोई फंक्शन होगी। हमने ये एनविसेज किया है कि जुडिशरी होगी, उसके फंक्शन होंगे, कि कानून बनाने का काम विधानमंडल और लोकसभा करेंगे लेकिन कानून को इंटरप्रेट करने का काम जुडिशरी करेगी जो इंडिपेंडेंट करेगी। इलेक्शन कंडक्ट करने का काम इलेक्शन कमीशन करेगा जो इंडिपेंडेंट होगा और इलेक्शन कंडक्ट करने का काम करेगा। हमने कभी ये नहीं सोचा कि जो समस्या हमारी खड़ी हो रही है वो जुडिशरी के एग्जीक्यूशन में डिले करने के काम हो रही है। लाखों करोड़ों केसेस यदि पेंडिंग है और हम आशा करें कि लाखों करोड़ों केसेस में करप्शन के केसेस भी इसके साथ डील हो जाएंगे तो उसका संबंध नहीं हो पाएगा। तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या जुडिशरी में हम नई तरह की व्यवस्था करें जिसमें करप्शन के केसेस आइडेंटिफाई होने के बाद उसकी सीधी ट्रायल हाई कोर्ट के अंदर होगी, डबल बेंच में, सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी और विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम फैसला हो जाएगा। इस समस्या का निदान हम नहीं करने चाहते। हम समस्याएं खड़ी करना चाहते हैं जिन समस्याओं का निदान इस सिस्टम संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत ही किया जा सकता है। लेकिन हमने कभी ये एड्रेस नहीं किया है कि इस देश में 2 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं, 2 लाख की ग्राम पंचायत में यदि एक पंचायत का सरपंच 1000 रुपये की बेमानी कर रहा है तो 2,84,000 पंचायत में 1000 का गुणा करें कितने करोड़ रुपये की बेमानी हो रही है, उसको एड्रेस करने के लिए क्या सिस्टम करेंगे? उसके लिए भी FIR दर्ज करेंगे, उसके लिए भी कोर्ट में जाएंगे। क्या हमें नए तरीके से ग्रास रूट पर जुडिशरी के सिस्टम को बदलने की आवश्यकता नहीं है जो उनकी समस्याओं का निदान करने का काम इस तरह से करे कि हम एक बार उस चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लें, एक सेकेंड स्टेज पर उसका फैसला हो जाए, उसके बाद लोगों के सामने एग्जेम्पलरी पनिशमेंट उसको मिल जाए? क्या ये आवश्यक नहीं है कि हम करेक्टिव और प्यूनिटिव मेजर्स के बारे में सोचें? यदि पब्लिक का प्रेशर है, गांव लेवल पर ये मानता है कि मैंने गलती कर दी तो एक व्यवस्था खड़ी करें जिस क्रम में वो पैसे स्टेट का एक्सर का जमा करा दे और ये एश्योर कर दे कि मैं करेक्टिव मेजर लूंगा, तो वाई वी गो ओनली फॉर प्यूनिटिव मेजर्स? क्या इस देश में प्यूनिटिव मेजर्स के अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं हो सकता किसी समस्या का निदान करने के लिए? इन प्रश्नों को जब तक हम खड़ा नहीं करेंगे तब तक जो हमारे गवर्नेंस के जो मॉडल है 50-60 साल में जो हमने प्रगति की है, जो प्रगति पे हमें घमंड है आज के दिन कि दुनिया के जितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसके मुकाबले में हमने हर वॉक ऑफ लाइफ में किया है, लेकिन ये आईलैंड खड़े हो गए हैं लेफ्ट विंग इफेक्टेड इलाके के, क्या समस्या है? गांव के गरीब आदमी को पुलिस से न्याय नहीं मिले तो न्याय करने के लिए गांव का आदमी आ जाएगा तो उसका विश्वास गांव के ऊपर उठ जाएगा। यदि गांव का गरीब आदमी को अपनी लकड़ी काट कर लाकर अपने भोजन बनाने का काम में फॉरेस्ट का आदमी उसको बंद कर रहा जेल के अंदर, उसको न्याय का मिलेगा? यदि वो आबकारी का आदमी शराब का ठेके में उसको ले जाके बंद कर रहा है, उसको न्याय का मिल रहा है? नीचे लेवल की जो समस्या है उन समस्याओं को एड्रेस करने के लिए ये सिस्टम क्या आज उन चीज़ों की नीड्स को पूरा कर रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न है। इसलिए मैंने कहा कि नए सिरे से पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में एक छोटी यूनिट ऑफ गवर्नेंस, उस छोटी यूनिट ऑफ गवर्नेंस के अंदर जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस करने के लिए हमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नेंस का मॉडल डेवलप करना पड़ेगा। यदि हमने इस बारे में अभी सोचने की कल्पना नहीं की तो जैसा रेड्डी जी ने कल्पना की थी कि इग्नू किस तरह से उन वंचित लोगों को शिक्षा देने का व्यवस्था करेगा, यदि इग्नू नहीं होता, यदि अलग अलग सेंटर नहीं होते तो गांव के गरीब आदमी को पढ़ने का अवसर नहीं मिलता, वो इंतजार करता कि मेरे यहाँ कॉलेज खुलेगा, मेरे यहाँ यूनिवर्सिटी खुलेगी, फिर मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा, तो कितने समय तक इंतजार करता?
यदि आज इग्नू की व्यवस्था हो गई तो उस बच्चे को मालूम है कि मैं इस कोर्स को पढ़ने के लिए मैं कॉलेज में भी नहीं जाकर सप्लीमेंट्री इनकम करके भी ये काम कर सकता हूँ। और सक्सेसफुल ये मॉडल आज दुनिया के सामने हमने बता दिया कि ये भी एक मॉडल हो सकता है जिसका रेड्डी जी ने कल्पना की थी कि डिसेंट्रलाइजेशन करो और उसका एक आप लाभ उठा सको। तो ये एक हमें प्रेरणा देता है कि यदि शिक्षा के क्षेत्र में डिसेंट्रलाइजेशन करके हम उन वंचित लोगों को ये अवसर दे रहे हैं तो उनमें से बहुत से बच्चे जो आज इग्नू के माध्यम से पढ़ के आ रहे हैं वो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हैं। और यदि व्यवस्था नहीं होती तो वो सेक्शन पूरा ही से डिप्राइव हो जाता। क्या इस मॉडल को और दूसरी क्षेत्र में स्थान देने की आवश्यकता है या नहीं, इस प्रश्न पर गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है। कभी हमने एनविसेज नहीं किया था कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस दुनिया में है, आज बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्री के सामने खड़ा हो गया। आज भी अमेरिका रिसेशन से बाहर नहीं निकल पाया, आज भी यूरोप की कंट्री रिसेशन से बाहर नहीं निकल पाई है, आज भी ग्रीक में भयंकर प्रॉब्लम चल रही है कि वो अपनी इकोनॉमी को सर्वे करने का कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सारे इंटरेस्ट सारे कांस्टेंट होने के बाद भी इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बता दिया कि इस देश की जो नीतियाँ हैं वो साउंड फुटिंग पर है, हमने रिसेशन को ओवरकम नहीं किया है, हम आज हमारी GDP को 8% से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। ये एक विजन था उन लोगों का जिन्होंने देश के निर्माण करने का काम किया। आज यदि उस विजन के आधार पर ये जो नई हमारी गवर्नेंस की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हम एड्रेस करने के बारे में नहीं सोचेंगे तो आने वाले जनरेशन हमसे पूछेगी कि आपने जनरेशन में इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए क्या काम किया। इसलिए मैं उन लोगों में व्यक्ति में हूँ जो मानता है कि आज पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की ज़्यादा आवश्यकता है, जिसमें डे टू डे एफर्ट्स में अपनी समस्याओं को रेज करने का और रिड्रेस करने का जो मैकेनिज्म डिसेंट्रलाइजेशन में पंचायत के गवर्नेंस के माध्यम से हो सकता है वो ज़्यादा इफेक्टिव लोगों को समस्याओं का निदान करेगा। और उन लोगों के पोटेंशियल को यदि हम एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वो देश की इकोनॉमी में बढ़ाने का काम भी ठीक ढंग से कर पाएगा। ये देश नौजवानों का देश है, ये देश में आज के दिन 45 से ज़्यादा कम उम्र के लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, दुनिया में क्रोनिकल एज बढ़ गई है। आने वाले समय में जो प्रोजेक्शन किया गया है कि 2020 तक हमें 50 करोड़ स्किल मैन पावर की आवश्यकता है जो न केवल हमारे नीड्स देश की नीड्स को पूरा करेगी, दुनिया के जहां पर एजिंग के लोग हो गए वहां की नीड्स को भी कैटर करने के लिए हमारी मैन पावर को दुनिया में जाने की आवश्यकता है। ये जब हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं तब क्या हमें ये जानकारी नहीं है कि गांव का गरीब आदमी का बच्चा जिसके पास लैंग्वेज नहीं है, जिसके पास मैथमेटिक्स नहीं है, जो ड्रॉप आउट है 15 से 29 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा जो ड्रॉप आउट्स हैं वो दे आर फ्रॉम वनरेबल सेक्शन, मे बी फ्रॉम SC, फ्रॉम ST, फ्रॉम माइनॉरिटी। वो नौजवान आदमी जिसको ये अवसर नहीं मिल रहा है कॉलेज में पढ़ने का, जो स्कूल का ड्रॉप आउट्स है, उसकी स्किल को एनहांस करने का काम नहीं करेंगे तो आज आने वाले समय में हम दुनिया की जो नीड्स को तो पूरा नहीं कर पाएंगे, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो जाएगी, उसके बारे में हम नहीं सोच पा रहे। इसलिए आज ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि हम ये जो गवर्नेंस के मॉडल हैं उस मॉडल में एक चर्चा करके उसमें परिवर्तन करने का काम करें। मुझे पूरा विश्वास है बिकॉज आई एम ऑफ द फर्म ओपिनियन के आई वॉज फॉर्चुनेट दैट प्रोफेसर पिल्ले हैज इन्वाइटेड मी टू डिलीवर दिस लेक्चर एंड आई वॉज नॉट नोइंग दैट द प्रोफेसर रेड्डी हैज अ विजन फॉर पंचायत राज, ही वॉज हैविंग एन आइडिया दैट हाउ दी इग्नू कैन बी मॉडल विद द पंचायत एंड आई एम फॉर्चुनेट टू रीड द फ्यू कोटेशन ऑफ मिस्टर रेड्डी दैट इंस्पायर मी टू से इट। We have people in our country who have a far-sighted vision. Mr. Reddy was one of them. We should be proud that you happen to be with Mr. Reddy. I feel envy that I could not have an opportunity to work under Reddy. Had I ever been an opportunity, I would have been say that my vision would have been a different from that vision which I am having. With these words, I extend my heartiest thanks to Mr. Pillai and everyone. And I pray that the soul of Mr. Reddy should rest in peace. And once again, I salute Mrs. Reddy that she could be with us, and her presence will inspire us that we will strive for the vision of Mr. Reddy. Thank you.